हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि इस चैप्टर को मैं फिनिश करूं। और फिर से आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग डिमांड्स करते हैं, बताते हैं कि क्या ज़रूरतें हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी हेल्प कर पाऊँ। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में इसको हम दो पार्ट में बाँट सकते हैं, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल के कई पोर्शन होते हैं, जैसे एक्सियल में स्कल होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम होता है, और जो थोरेक्स वाले रिब होते हैं वो आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल होते हैं, जिस पे हाथ और पांव जुड़े होते हैं, और लिम्ब बोन्स होती हैं, यानी हाथ और पांव की हड्डियाँ होती हैं। ये एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें जो बीच के पोर्शन होते हैं, ठीक बीचों बीच वाले, ये बनते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इनसे मिलके बनता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और ये अगल बगल वाले जो हाथ और पांव की हड्डियां हैं, ये बनाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन बींग में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। 30 हड्डी इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 बोन्स इस हाथ में और 30 इसमें, तो कुल मिला के 120 तो यही हो गए। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 33 से 35 बोन्स होती हैं। इसके अलावा फेस पे 14 होती हैं, फिर स्कल में होती हैं, फिर इसके अलावा रिब्स होती हैं, कुल मिला के 12 पेयर यानी 24। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम बारी बारी इसी को समझेंगे। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग स्कल बोलते हैं। सामने वाला पोर्शन फेस है और ऊपर वाला क्रैनियम है, जिसके अंदर ब्रेन रहता है। इसके नीचे का ये जो इलॉन्गेटेड पोर्शन होता है पीछे की तरफ से, बैकबोन जिसे हम कहते हैं, उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। आगे की ओर यानी जिसे हम चेस्ट कहते हैं, चेस्ट की ओर ये जो बोन होती है इसको स्टर्नम कहा जाता है। इस पर ये रिब्स जुड़ी होती हैं। नीचे की पेयर जो होती है रिब्स की, वो फ्रीली फ्लोट करती रहती है। इसके बाद यहाँ पे क्लेविकल और स्कैपुला मिल करके पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं, जिस पे हाथ जुड़ा होता है। हाथ इसमें आर्टिकुलेट हो जाता है, मतलब जो फोर लिंब होते हैं जिसे कहा जाता है, ये जुड़ा होता है। तो पेक्टोरल गर्डल यहाँ होता है। नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे इलियम, प्यूबिस, ईशियम और लंबर वर्टिब्री यानी नीचे वाली वर्टिब्री जो होती है, ये मिल करके पेल्विक गर्डल बनाते हैं। तो नॉर्मली पेल्विक गर्डल में हम इलियम, प्यूबिस और ईशियम को लेते हैं, इनको थोड़ा कम इंक्लूड किया जाता है, बट इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे लंबर वर्टिब्रे भी इसमें इंक्लूड है। सो ये है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल पे पाँव का आर्टिकुलेचर होता है, जो बोन्स होती हैं पाँव की, ये जुड़ी होती हैं। पाँव में फीमर, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटा टार्सल, फेलेंजेस। हैंड की बात करें तो हैंड में ये हो गया रेडियस, ये हो गया अलंग, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। कार्पल्स, मेटा कार्पल्स एंड फैलेंजेस। अब ये जो फीमर है ये हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। ऐसे ही हमारे कान में तीन हड्डियां होती हैं, MIS, मिलियस, इनकस, स्टेपिस। तो जो स्टेपिस होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। अब वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्कल। Skull is present in the head and it is supported on the top of the vertebral column. It is made up of hardest and densest bone in the human body. और इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है cranium और एक होता है face. Cranium एक hollow structure होता है, round होता है, क्योंकि इसके अंदर brain को रहना होता है। जब तक जीवन होता है तब तक brain इसी में रहता है, इसलिए इसको cranial cavity भी कहा जाता है और इसलिए इसे brain box भी कहा जाता है। अब ये जो क्रैनियम होता है ये 8 चपटे हड्डियों, फ्लैटेंड बोन से मिलके बना होता है। एक फ्रंटल, दो पराइटल, एक ऑसिपिटल, दो टेम्पोरल, एक स्फेनॉइड और एक एथमॉइड टाइप की बोन होती हैं। क्रैनियल बोन्स फिट टुगेदर बाय वेवी इमूवेबल बाउंड्रीज कॉल्ड शटर्स। तो ये शटर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है पूरा ह्यूमन स्केल का, साइड व्यू है। ये देखिए फ्रंटल है, स्फेनॉइड है, लैक्राइमल, नेजल, ये कोरोनल शटर, ये बीच में ये देखिए शटर बना हुआ है। देन पराइटल,
देन लेटरल शटर्स जो साइड से होती हैं, इसके बाद लैम्बोइडल शटर्स, ये बाउंड्रीज बनाती हैं, चेहरे को अलग करती हैं और इस वाले क्रैनियम वाले हिस्से को अलग करती हैं, ये बाउंड्रीज बनाती हैं। ऑडिटरी ओपनिंग्स, टेम्पोरल्स, मैंडिबल यानी जो जबड़े वाली हड्डियाँ होती हैं इसमें रैनस एंड बॉडी, दिस इज कॉल्ड बॉडी प्रॉपर, तथ, मैक्सिली। अब एक्चुअली ये जो शटर्स होती हैं इतनी हार्डली ब्लॉक्ड हो जाती हैं कि ह्यूमन बींग का जो ब्रेन होता है उसको बहुत ही आसानी से सुरक्षा मिलती है। तो इनका मेन फंक्शन भी होता है ब्रेन को सुरक्षित रखना। पेराइटल्स आर डीमार्केटेड फ्रॉम द फ्रंटल बाय अ कोरोनल शटर, फ्रॉम द ऑसिपिटल बाय अ लैम्बडॉइडल शटर्स एंड फ्रॉम द टेम्पोरल्स यानी टेम्पोरल साइड में लेटरल शटर से। तो तीन तरह के शटर हैं जो स्कल को अलग करते हैं और फेस को अलग करते हैं। अ लार्ज होल कॉल्ड फोरामेन मैग्नम एट द बेस ऑफ स्कल अलाउज द ब्रेन टू कंटिन्यू इन टू स्पाइनल कॉर्ड इन द बैकबोन। स्पाइनल कॉर्ड्स कहाँ से निकलते हैं? फोरामेन मैग्नम नाम के एक होल से, उसके नीचे से फिर स्पाइनल कॉर्ड्स बनते हैं, उसके ऊपर पूरा ब्रेन होता है। इसी तरह से क्रेनियम की दूसरी तरफ ऑडिटरी कैप्सूल्स होते हैं जिसमें तीन छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें ईयर ऑसिकल का नाम दिया जाता है। दीज आर नोन एज ईयर ऑसिकल्स। और ईयर ऑसिकल्स के तीन तरह की होती हैं जिनको आप याद करने के लिए मिस बोल सकते हैं, मिस, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं। और ये जो MIS यानी मेलियस, इनकस, स्टेपिस हैं ये सुनने के लिए होती हैं। दूसरा पोर्शन है फेस। फेस पे कुल 14 हड्डियाँ होती हैं जिनमें से दो नेजल, दो मैक्सिली, दो पैलेटाइंस, दो जाइगोमैटिक या चिक बोन जिसे कहते हैं, दो लैक्राइमल्स होते हैं, दो इन्फीरियर नेजल कॉन्की होते हैं, एक वोमर होता है और एक मैंडिबल होता है, जिसमें से पैलेटाइंस, लैक्राइमल्स और इन्फीरियर कॉन्की, वोमर ये दिखते नहीं हैं सरफेस पे। मैंडिबल निचला हिस्सा होता है जो खाने पीने और बोलने में हेल्प करता है और ये मसल्स से कनेक्ट होता है। तीसरे टाइप की जो बोन होती है उसको हायोइड बोन कहा जाता है। तो हायोइड बोन मतलब जीभ की बोन, इसलिए इसको टंग बोन भी कहा जाता है। द बोन कॉल्ड हायोइड लाइज एट द बेस ऑफ टंग, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज टंग बोन, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, टंग बोन। एक्सेप्ट मैंडिबल एंड ईयर ऑसिकल्स, ऑल अदर स्कल्स आर इमूवेबल। ये स्ट्रक्चर है हायोइड बोन का। इसमें देखिए ग्रेटर कॉर्न एंड लेसर कॉर्न एंड दिस इज बॉडी। तो ये इस पे जीभ का बेस होता है, यहाँ से जीभ निकलती है ऊपर की ओर और ये जुड़ी होती है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में स्कल के बहुत सारे काम हैं, जैसे क्रेनियम को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, उसको जगह देना हाउस की तरह। सेंस कैप्सूल्स नेमली ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटर कैप्सूल्स प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस लाइक स्मेल, साइट, हियरिंग एटसेट्रा एंड रेस्पेक्टिवली। फेसियल बोन्स फॉर्म द जॉ, सपोर्ट फॉर माउथ फॉर फीडिंग, खाने पीने में और स्पीच करने में सहायता करता है। स्कल बोन्स सपोर्ट अपर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नेमली बकल कैविटी एंड नेजल चैम्बर्स रेस्पेक्टिवली। हायोइड अपैरेटस सपोर्ट द थ्रोट। एडवांटेज ऑफ फ्यूअर बोन, ह्यूमन में कम अदर एनिमल्स के मुकाबले थोड़ी कम बोन्स होती हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ जाते हैं, पैक हो जाते हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। इसको बैक बोन या स्पाइन भी कहा जाता है। इट इज़ अ कर्व्ड वर्टिकल रॉड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द नेक एंड ट्रंक। और ये स्पाइनल कॉर्ड 33 से 35 होती हैं। देखिए इसको समझते हैं। टाइप ऑफ वर्टिब्री, तो अलग अलग जगह की पोजीशन के हिसाब से वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियाँ होती हैं उनको हम बांट लेते हैं। और ह्यूमन में कितने हैं, रैबिट में कितने हैं, रैट में कितने हैं, क्योंकि नीट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। सर्वाइकल की बात करें, जो सर्वाइकल पोर्शन की वर्टिब्री होती है जो नेक में पाई जाती है, रैट में 7 होती हैं, रैबिट में भी 7 होती हैं और ह्यूमन बींग में भी 7 होती हैं, क्योंकि ये सब मैमल्स हैं तो लगभग इनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते से रहते हैं। इसी तरह से थोरैसिक रीजन जो कि चेस्ट होता है, रैट में 13 होती हैं,
रैबिट में 12 से 13 होती हैं, ह्यूमन बीइंग में 12 होती हैं। लंबर वर्टिब्रे की बात करें तो एब्डोमेन वाले पोर्शन में जो हड्डियां होती हैं उनको लंबर कहा जाता है। रैट में 6 होती हैं, रैबिट में 6 to 7 होती हैं, ह्यूमन बीइंग में 5 होती हैं। सैक्रल की बात करें यानी जो हिप होता है, हिप पोर्शन पे रैट में 4 होती हैं, रैबिट में 4 होती हैं और ह्यूमन बीइंग में 5 होती हैं। कॉडल यानी जो टेल होती है, टेल की बात करें तो टेल में रैट में 30+ होती हैं, रैबिट में 16 होती हैं और ह्यूमन बीइंग में 4 होती हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस आता है क्योंकि रैबिट में और रैट में दोनों में ही टेल होती है और जबकि ह्यूमन बीइंग की टेल डिसअपियर हो जाती है मैच्योरिटी आने पर। अब ये देखिए, ये है वर्टिब्रल कॉलम, उसका स्ट्रक्चर, तो इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए फिर से ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर की जो पहली हड्डी होती है इसको एटलस कहा जाता है। ये जाके सीधे इस पे जो हमारा ब्रेन बॉक्स है वो, यानी स्कल की जो बात कर रहे थे, वो आके सीधे इस पे फिट हो जाता है। इसके नीचे और ये रोटेट कर सकता है लगभग 270 to 280 डिग्री तक। इसके नीचे एक्सिस, एक्सिस जो है फिक्स पोर्शन होता है जिसके ऊपर एटलस घूम सकते हैं आसानी से। तो जो बाहर कांटे की ओर निकले होते हैं इनको न्यूरल स्पाइंस कहते हैं। अब यहाँ से लेके नीचे की 7 जो बोन्स होती हैं इन्हीं को हम सर्वाइकल वर्टिब्री या नेक रीजन की वर्टिब्री कहते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर के अगले 12 पोर्शन तक इसको हम थोरैसिक कहते हैं, जिसपे स्टर्नम 12 हैं और 12 स्टर्नम हमारे निकले होते हैं, 12 जोड़े यानी 24 कुल, सॉरी स्टर्नम नहीं, रिब्स होती हैं, बीच में एक स्टर्नम होती है आगे की ओर फ्रंट साइड में, ये बैक बोन है और फ्रंट साइड में स्टर्नम होती है, तो जाके पीछे से निकलते हैं और स्टर्नम पे जाके जुड़ जाते हैं कुल। ये हो गया। इसके बाद फिर लंबर रीजन यानी पेट के आसपास का जो हिस्सा होता है, और यहाँ पे 5 हड्डियाँ हैं। फिर इसके नीचे सैक्रल और इसके नीचे कॉक्सीजियल, तो इस तरह से इनकी बनावट होती है। जब बच्चे होते हैं तो ये 35 से 37 भी होता है कई बार, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है टेल बोन की जो हड्डियां होती हैं ये फ्यूज़ होती जाती हैं। जैसे यहाँ 3 to 5 बोन फ्यूज़ हो गई, यहाँ 4 और 5 बोन फ्यूज़ हो गई, तो फ्यूज़ हो करके एक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए नंबर ऑफ बोन्स मैच्योर होने पर कम हो जाती हैं। अब हम वर्टिब्रल फार्मूले की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो C7, T12, L5, S5 ब्रैकेट बनाया मतलब फ्यूज़ हो चुके हैं, C3 to 5 ब्रैकेट बनाया मतलब फ्यूज़ हो चुके हैं। इस तरह से ये 33 to 35 टोटल इन नंबर हो गए। ये वर्टिब्रल कॉलम की जो एटलस होती है ये उसका सुपीरियर व्यू होता है। ये तो देखिए इसको समझते हैं, स्पाइनल फोरामेन यानी बीच में जो जगह होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आसानी से नीचे की ओर जाती है, इसको स्पाइनल फोरामेन कहा जाता है। ये नीचे की जो बोन होती हैं, दिस लाइनिंग, जो इस पूरे ग्रूव के लिए एक बाउंड्री का काम करती हैं, दिस इज आर्टिकुलर फैकेट फॉर डेंस। बीच की जो ये जगह है इसे ओडोन्टॉइड फोरामेन कहेंगे। इसके बाद ये बाहर की ओर निकली हुई जो बोन होती है, इट इज़ एंटीरियर आर्क, क्योंकि आर्क जैसा बनाते हैं, और ये जो मांस होते हैं ऊपर की ओर ये हॉर्न लाइक लगते हैं, कभी आप लोग इसे देखेंगे तो बिल्कुल ये छोटे से कांटे के रूप में होते हैं, एकदम आपकी एक उंगली पे भी चले आएंगे अगर छोटे किसी एनिमल या बर्ड का आप देखेंगे तो। सो दिस इज़ कॉल्ड लैटरल मांस। साइड में जो जगह होती है फोरामेन ट्रांसवर्सियम, देन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये जो अगल बगल की हड्डियाँ होती हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, निकले हुए जो सींग टाइप के कुछ चीज़ें दिखती हैं उसमें, खैर इसे सींग नहीं कह सकते यहाँ पे। सो ये अपर बोन होते हैं, निकले हुए बोन्स होते हैं, तो इसको सुपीरियर आर्टिकुलेचर फैकेट बोलते हैं। ये लॉक की तरह अगले से जुड़ जाते हैं, जैसे चैन टू चैन सिस्टम होता है उसी तरह से वर्टिब्रल जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। देन इसके ये वाले, इस वाले आर्क को हम पोस्टीरियर आर्क कहेंगे, और जो इनको जोड़ के रखती है वो लिगामेंट होती है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये था आपका एटलस का सुपीरियर व्यू। अब एक्सिस यहीं पे कहीं होगी, हाँ ये है एक्सिस, तो एक्सिस बोन का सुपीरियर व्यू देखते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, ए और बी स्ट्रक्चर को। ये एक्सिस है, एक्सिस में देखिए ये डेंस है लेकिन इनके प्रोसेस अलग अलग हैं,
और ये ऊपर निकला हुआ सिर्फ एक पोर्शन है आसानी से फिट होने के लिए, जिसके ऊपर आसानी से ये फिट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। दिस इज लैमिना और ये फोरामेन, बीच में जगह होगी जिसमें से आगे की ओर वर्टिब्रल जो क्या बोलते हैं नर्व कॉर्ड होती है वो आराम से नीचे की ओर जा सके, पूरी टेल तक रहती है। देन इंफीरियर आर्टिकुलर, इट इज पेडिसल, ट्रांसवर्स प्रोसेस, फोरामेन ट्रांसवेरियम, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, लगभग चीज़ें वैसी ही रहती हैं। देन इधर आते हैं, ये हो गया थोरेसिक रीजन होगा, यस दिस इज थोरेसिक वर्टिब्री और ये लेटरल साइड का व्यू है। इसी तरह से थोरेसिक के बाद हम देख सकते हैं नीचे ये लंबर वाले हैं, यस दिस इज लंबर वर्टिब्री। तो आप चारों टाइप की वर्टिब्रीज को आसानी से देख सकते हैं और इनको कंपेयर कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेटल डिस्क की बात करें, बिटवीन द सेंट्रा ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री, अगल बगल की वर्टिब्रियों के बीच में जो जगह बचे, देयर इज एन इलास्टिक पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज का इलास्टिक पैड होता है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करता है, ये स्पाइंस को घूमने में सहायता करता है, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां हैं उसको मूवमेंट देने में सहायता करता है। फंक्शन की बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम का, तो ये हेड को सपोर्ट करते हैं ऊपर की ओर, एंड इट स्ट्रेंथ द नेक एंड ट्रंक ताकि सीधा खड़ा रह पाए इंसान, एंड इट्स सपोर्ट द रिब लेटरली, रिसीव वेट ऑफ आर्म्स थ्रू द रिब्स एंड रेस्ट ऑफ द हिप विच ट्रांसफर द वेट ऑफ बॉडी टू द लेग। तो कुल मिला के इसके बिना खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, हम मॉलुस्का जैसे कुछ दिखने लगेंगे, यानी हड्डियाँ एंडोस्केलेटन बहुत ज़रूरी है ताकि ह्यूमन ह्यूमन की तरह दिखे। इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का पोर्शन है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इट फॉर्म्स अ रिजिड वर्टिकल कॉलम फॉर विच विसेरा आर सस्पेंडेड बाई मेसेंट्रीज इन द बॉडी कैविटी। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सीबिलिटी टू द ट्रंक बाई हैविंग आर्टिकुलर सरफेस एंड वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके बाद आते हैं रिब्स की बात करते हैं। रिब्स को हम हिंदी में कहते हैं पसली, हड्डी और पसली। सो दिस इज रिब, रिब मीन्स पसली, मीन्स आगे चेस्ट की जो बोन होती हैं, जो चेस्ट का पूरा रीजन बनाती हैं, उसको हम रिब कहते हैं। द रिब्स आर कर्व्ड बार्स विच मूवेबली आर्टिकुलेटेड विद द थोरेसिक वर्टिब्री एट द बैक एंड यूनाइट विद द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ ऑल। ये है स्ट्रक्चर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके नीचे ये वाला है 11 और ये है 12। तो 11 जो हैं ये देखिए ऊपर से नीचे, और बीच में जो ये पोर्शन होता है इसको कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम पे और पीछे है बैक बोन्स, बैक बोन से स्टर्नम के बीच में ये कनेक्शन होते हैं, पिंजड़े का जैसा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और शुरू की ये जो 10, 1 to 10 यहाँ तक, शुरू से 1 से लेके 10 तक, तो 1 to 10 ये जो होते हैं ये बैक बोन से निकलते हैं और यहाँ आके स्टर्नम पे जुड़ते हैं। लेकिन ये नंबर 11, दिस इज नंबर 11 एंड नंबर 12, ये जो बैकबोन से तो निकलते हैं पर स्टर्नम पे आके जुड़ते नहीं है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती है, आप याद कर लीजिए कौन कौन सी होती हैं, नंबर 11 एंड नंबर 12। अब रिब का फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट हार्ट, लार्ज ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, दे बियर रेस्पिरेटरी मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, लोअर टू पेयर्स ऑफ द रिब प्रोटेक्ट द किडनीज। अब इसके बाद स्टर्नम की बात करें, जिसे ब्रीस्ट बोन भी कहा जाता है, तो स्टर्नम ठीक बीच में होता है और इससे आके जुड़ी होती हैं जो हमारी रिब्स होती हैं। द स्टर्नम इज अ लॉन्ग नैरो फ्लैट वर्टिकल बोन इन द मिडल ऑफ द फ्रंट वॉल ऑफ द चेस्ट। इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज शेप्ड लाइक अ डैगर, जो डैग करने वाली चीज़ें होते हैं जिसे आप खुरपी या खंचा ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, वट एवर।
handled called a manubrium, a blade termed body, and a tip known as xiphoid process. The true ribs are attached to its sides and clavicles articulate with its upper end. Function kya hota hai? Iske do function hote hai main. It take part in the formation of the protective thoracic basket, jo cage like structure, pinjade ke jaisa structure ban raha tha. And it play role in the respiratory mechanism also. To respiratory mechanism mein bhi hi iska use hota hai. Ek question yahan se bhi ban jata hai, respiratory mechanism mein kaun kaun use hota hai. Uske baad girdles ki baat karte hain, to do tarah ke hote hain, ek pelvic aur ek pectoral girdle. Pectoral girdle yani shoulders ke jo kandhe hote hain, isme do tarah ki bone hoti, ek scapula aur ek clavicle. Scapula jo hoti hai kafi chapti aur piche ki, jiske hum paankhur kehte hain, ki hamare haath ki paankhure hain, usko hum scapula kehte hain. और इनसे जुड़ी होती हैं क्लेविकल्स. तो ये मिल करके इट हैज द इट्स लार्ज एंगल अ शैलो कॉनकेविटी, इट इज नोन एज ग्लेनॉइड कैविटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस. तो ह्यूमरस यानी हाथ की हड्डी इसमें आके जुड़ती है. द क्लेविकल आल्सो कॉल्ड कॉलर बोन, इसको कॉलर बोन या हंसुली हिंदी में कहते हैं कि ये हंसुली है, तो कॉलर बोन होती है. A collarbone is a rod like bone curved like letter, English ka jo F hota hai uski tarah se ye ghuma hota hai. Iska function kya hota hai pectoral girdle ka? To ye haath ki haddiyon ko jodta hai, unke liye articulation provide karta hai, and it affords attachment to the certain muscles of the arm. Next is the pelvic girdle or hip. It is located in the upper portion of the trunk. लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, वही मैं भी सोच रहा था, निचले पोर्शन में होता है. और इसमें तीन तरह की हड्डियां होती हैं, अपर इलियम, लोअर ईशियम एंड इनर साइड में प्यूबिस, एंड दे फ्यूज्ड टू फॉर्म अ स्टार्ट हिप बोन इनोमिनेट. व्हाट इट इज? इट इज इनोमिनेट. द इनोमिनेट ऑल्सो कॉल्ड हिप बोन, इसको सामान्य भाषा में, हम अपनी बोलचाल की भाषा में हिप बोन कहते हैं, बट बायोलॉजिकली इसे इनोमिनेट कहा जाता है. हैज एट द मिडिल ऑफ इट्स लेटरल सरफेस अ डीप कप शेप्ड होलो द एसिटाबुलम. तो एसिटाबुलम के बारे में कई बार पूछा जाता है कि एसिटाबुलम कहाँ पे लोकेट होता है. तो एसिटाबुलम पेल्विक गर्डल में होता है, हिप बोन में, ठीक है. वेयर द हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट्स. अब ये क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एसिटाबुलम में कौन सी हड्डी का आर्टिकुलेचर होता है. तो फीमर जो कि लॉन्गेस्ट बोन में से एक है हमारी हड्डियों में, लगभग ये सबसे बड़ी है, सबसे लंबी बोन है, सॉरी. और इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, बट ये सबसे लंबी होती है. तो किसका आर्टिकुलेशन हो गया एसिटाबुलम में? फीमर का. बिलो द एसिटाबुलम द इनोमिनेट हैज़ अ लार्ज ओवल गैप ऑल्सो. द ऑब्टूरेटर फोरामेन, इसको जो ओवल गैप, जो गोल छेद होता है, उसको ऑब्टूरेटर फोरामेन, फोरामेन का मतलब यहाँ खाली जगह से है. द टू इनोमिनेट बोन्स एंड सेकरम टुगेदर फॉर्म अ शॉर्ट ऑफ बाउल, इट इज कॉल्ड पेल्विस. इट सपोर्ट्स द लोअर एब्डोमिनल विसेरा. तो इस दिस इज ऑल्सो adaptation for upright posture of the human body, ताकि आदमी सीधा खड़ा होकर चल पाए, इसीलिए ऐसा होता है. The female pelvis is larger and has a broader front and larger bottom opening than the male pelvis. Female में ये थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि child birth के लिए easy हो, ये एक तरह का adaptation है female में. Function क्या है pelvic girdle का? तो सबसे पहली बात तो पाँव की हड्डियों के लिए ये जगह बनाता है, यानी articulation देता है. इट कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ बाउल, जो कि एब्डोमिनल विसेरा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है. बॉडी के वेट को ट्रांसफ़र करने में सपोर्ट करता है, ताकि लेग पे जाए और इंसान खड़ा हो पाए. इट प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू द सर्टन लेग मसल्स ऑल्सो. और इस तरह से ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर लीजिए. दिस इज पेक्टोरल गर्डल एंड दिस इज पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल पे ये जो हमारे हाथ के पीछे का हिस्सा होता है पीठ की ओर,
कंधे के ठीक पास में इसको स्कैपुला कहते हैं, ऊपर जो कॉलर बोन होती है क्लेविकल और इस पे जुड़े हुए ये हाथ हैं। इसके बाद ये है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल पे ये है इलियम, दिस इज प्यूबिस एंड दिस इज ईशियम, यहाँ पे आकर के जो फोरामेन है, फिर यहाँ से ये जुड़े हैं पाँव की हड्डियाँ। लिम्ब बोन्स, लिम्ब बोन्स जो होती हैं यानी हाथ और पाँव की हड्डियों को लिम्ब बोन्स कहा जाता है। एक्चुअली द लिम्ब्स ऑफ ऑल मैमल्स आर डिजाइंड ऑन द सेम बेसिक पैटर्न और इसको पेंटाडेक्टाइल लिम्ब कहा जाता है, इसलिए इसमें 5 डिजिट्स होती हैं और लगभग एक जैसी होती हैं। ह्यूमन बींग में जो लिम्ब बोन्स होती हैं उनमें 4 लिम्ब को हैंड कहा जाता है और लोअर लिम्ब या हाइंड लिम्ब को लेग कहा जाता है। आर्म बोन का अरेंजमेंट अगर हम देखें, ईच आर्म कंटेन्स 30 बोन, मैंने एकदम शुरू में ही बताया था कि 30-30 हड्डियाँ होती हैं। इन 30 में से पहला होता है ह्यूमरस जो कि अपर आर्म में होता है, दिस इज ये वाला, ये इस पोर्शन को हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके बाद रेडियस एंड अल्ना, ये रेडियस और अल्ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। 8 कार्पल्स, कलाई में 8 कार्पल होती हैं जिसको हम रिस्ट कहते हैं। 5 मेटाकार्पल्स जो हमारी हथेली होती हैं उसमें 5 मेटाकार्पल, और जो हमारी 5 उंगलियां होते हैं उसमें 14 फैलेंजेस होते हैं इन द फिंगर्स। ह्यूमन बींग में फैलेंजियल फार्मूले की बात करें, ह्यूमन हैंड की अगर बात करें तो 2, 3, 3, 3, 3 यानी 2 हड्डी होती है अंगूठे में और बाकी सब में 3-3 होती हैं। स्पेशल फीचर की बात करें ह्यूमन आर्म की तो जॉइंट्स मूवेबल होते हैं और मेटाकार्पल्स काफ़ी चौड़ी होती हैं, थंब अपोजेबल होती है जिससे कोई भी चीज़ पकड़ने में बहुत आसानी हो जाती है, तो ग्रेस्प करने के लिए बहुत अच्छे से बना हुआ एक ग्रेस्पिंग टाइप का हैंड है। फंक्शन की बात करें तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हाथ को अलग अलग तरह के काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं। अब हम लेग बोन की बात करते हैं तो लेग भी 30 बोन से मिलकर बना होता है जिसमें से फीमर है जो कि जांघ की हड्डी कहलाती है जो सबसे लंबी हड्डी भी है, देन पैटेला इन द नी, जो नी घुटना होता है उसमें पैटेला होता है, टीबिया एंड फिब्यूला इन द लोअर लेग, ये स्लाइड करती हैं और ये सीधे खड़े होकर पोस्चर बनाने में हेल्प करती हैं। 7 टार्सल होती हैं एंकल में जो पीछे एड़ी होती है, और 5 मेटाटार्सल होती हैं जो बीच का हिस्सा बनता है पाँव का, और 14 फैलेंजेस होती हैं जो आगे हमारे टोज होते हैं यानी पाँव की उंगलियों में, कुल 14 फैलेंजेस होते हैं। अब इसके लिए फैलेंजियल फार्मूले की अगर बात करें तो पाँव की हड्डियों का फैलेंजियल फार्मूला होता है 2, 3, 3, 3, 3, यानी एग्जैक्टली हाथ के जैसा ही था। स्पेशल बात यह है कि ये इतने चपटे हो जाते हैं और इतने बैलेंसिंग हो जाते हैं कि आसानी से इंसान खड़ा हो पाता है। फंक्शन बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और बॉडी की वेट को बियर करना, लोकोमोशन करना, स्टैंड होना, ये सब इसके स्पेशल फंक्शंस हैं। अब ह्यूमन की 206 हड्डियों की समरी पढ़ ली जाए तो एक्सियल स्केलेटन की बात करें टोटल 80 होंगे, टोटल नंबर ऑफ बोन 80 होंगे। स्कल, स्कल में हेड 29 होंगे टोटल इसमें, क्रेनियम में 8, फेस में 14, हायोइड में 1, ईयर ऑसिकल्स टोटल 6। वर्टिब्री की बात करते हैं, वर्टिब्री यानी नेक और ट्रंक, इसमें होंगे 26, रिब जो होंगे उसमें होंगे 24, स्टर्नम होगा 1। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं टोटल 126 होंगे ये। पेक्टोरल की बात करें स्कैपुला क्लेवाइकल सब मिला करके ये हो जाएंगे टोटल 4, 2, 2। आर्म्स की बात करें यानी साइड एटम तो 30 और 30 यानी टोटल 60 हो जाते हैं, जिसमें से ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स जो रिस्ट की होंगी 16, मेटाकार्पल्स जो पाम की होंगी 10, फैलेंजेस 28। पेल्विक गर्डल की बात करते हैं यानी जो हिप होते हैं तो पेल्विक गर्डल होती हैं, इसमें जो हड्डियां होती हैं टोटल ये होती हैं 2। इसके बाद लेग की बात करें तो इसमें भी होंगी टोटल 60, फीमर 2, पैटेला जो घुटने में पाई जाती हैं 2, टीबिया 2, फिब्यूला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल्स 10, फैलेंजेस 28, टोटल हो गए 206। थैंक यू।